Sarpanca Cuda, Sarpanca Cuda. Hadi! Yani, yani. We'll have violent chants and blood-curdling display of weapons being normalized, while the chilling and gruesome beheadings of Kanhaiya and Kolhe, unfortunately, has not been a deterrent. Three more instances of Sartan Se Juda chants are being raised during Eid ul-Milad processions, which have now come to light. This call to behead was openly given during crowded processions across Jodhpur, Amravati and Khandwa. Not just that, in the very latest instance which is coming in, another video of Sartan Se Juda chant is now being raised. It has emerged from Somnath in Gujarat. The video, which went viral, is allegedly of a procession while crossing a Hindu-dominated area. Swinging into action, the police have now taken four people into custody. Listen in to this provocation. ये जो वीडियो है ये 9 अक्टूबर का वीडियो है, रविवार के दिन का, जिस दिन ईद मिलाद का त्यौहार था। और उसी दिन गिर सोमनाथ जिला का जो ऊना इलाका है, ऊना गांव है जो दीव के पास में आया हुआ है, वहां पर ये एक रैली का आयोजन जो है वो किया गया था। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, एक रैली की इजाज़त मिली थी, लेकिन उसके बावजूद दूसरी रैली जो है वो निकाली गई थी। और ये वीडियो जो वायरल हुआ है, इस वायरल वीडियो की हम बात करें तो ये वीडियो जो है हिंदू डोमिनेटिंग एरिया जो है, जहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं, वहाँ पर से ये रैली निकलती है। और उस दौरान इस तरह के विवादित बोल जो हैं ये बोले जाते हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है और उनकी पूछताछ जो है वो की जा रही है। एसपी जो मनोहर सिंह जाडेजा हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि ये वीडियो की ऑथेंसिटी हम जांच कर रहे हैं। 4 लोगों को अभी हमने लिया है हिरासत में, पूछताछ कर रहे हैं। FIR अभी दर्ज नहीं हुआ है, पर जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद में पुलिस जो है वो FIR दर्ज कर सकती है। लेकिन जिस तरह का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया है, और अभी हमारी वहाँ पे बातचीत हुई है, तो जो हिंदू इलाके के जो लोग हैं, इस मामले में बात करने से वो लोग डर रहे हैं, क्योंकि डर उन्हें ये है कि उदयपुर में जिस तरह से हुआ, जिस तरह से और देश के हिस्सों में हुआ, तो जो हिंदू लोग हैं, वो व्यापारी हैं, वो इस मामले पे कहने से डर रहे हैं। पुलिस ने भी उनको बयान लेने के लिए बुलाया, लेकिन अभी तक उन लोगों ने पुलिस को भी बयान दर्ज नहीं किया।